अपनी बहन के लिए मजाक में भी ऐसी बात न करती जिससे मेरा और उसका रिश्ता बनने से पहले टूट सकता है। वो मेरी बहन नहीं है बल्कि मेरी माँ है। उबैद हसन वल हसन खान, आपका निकाह मेरिन अली बिनते मुराद अली से हक महर 1 लाख रुपए सिक्का राज रिवर्स किया जाता है कि आपने कबूल किया? कबूल है। बेटा मैं जानती हूँ तुम जिस जिंदगी में कदम रख रही हो वो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, और औरत वही है जो हालात और शोहर को अपने मुताबिक ठानती है। औरत कभी नाकाम नहीं हो जो ऐसा कर पाए, उसकी जिंदगी में कभी कोई मुश्किल नहीं आता। और बेटा एक आखिरी बात, अपने और बहन के दरमियान अपने माजी को कभी मत आने दे। कभी कोई ऐसा काम फिर आप लोगों की बातें खत्म हो गई तो चले। इसमें नहीं आएगी शायद, उसके लिए ये सब कुछ कबूल करना मुश्किल होगा। तुम फिक्र नहीं करो, हम है ना उसके लिए, कोई टेंशन मत ले। आज ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। लाओ भाई रखो। मैंने अदील को बुलाया है, जरा आराम से बात कीजिएगा उससे। तुम भी कमाल करती हो शाही, तुम तो ऐसे कह रही हो कि जैसे वो आएगा तो मैं उसे खुदा जाने क्या कह दूंगा, कच्चा ही चबा जाऊंगा शायद। नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, लीजिए आ गया। जी अब्बा आपने बुलाया? हाँ बुलाया अदील, बैठो, तुमसे एक जरूरी बात करनी है भाई। देखो अदील बेटा, नौकरी तो तुम्हें तुम्हारी मर्जी की मिल गई और तुम खुश भी बहुत हो, अच्छी बात है। अब हमने फैसला किया है कि तुम्हारी शादी कर दें। शादी? क्या हो गया आपको, ना कोई तमहीद बांधी बस सीधा ही कह दिया। अरे भाई तो इसमें चौंकने की क्या बात है, तुम बताओ साहबजादे क्या तुम शादी नहीं करना चाहते? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो दरअसल आपने इसके बारे में इससे पहले बात नहीं की तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बस थोड़ा सा हैरान हूं। अच्छा अब हैरान होना छोड़ो और आने वाली जिम्मेदारी को निभाने की तैयारी करो। शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है कि तुम हुमा को बहुत खुश रखोगे। हुमा को? हाँ हमने हुमा को तुम्हारे लिए पसंद किया है। लेकिन अब्बा मैं हुमा के साथ शादी नहीं कर सकता। क्यों, क्या खराबी है हुमा में? हुमा में कोई खराबी नहीं है, बस इतनी सी बात है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते। अदील मुझे साफ साफ बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने किसी और लड़की से शादी का वादा किया हुआ हो? मैं जरी को पसंद करता हूं, वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। मैं उसी के साथ शादी करना चाहता हूं। सॉरी
क्या बात है, महरीन तो वैसे भी चंद घंटे ही गुजरे हैं और तुम्हें उसकी याद भी आने लगी। बेटियां चीजें ऐसी हैं, जब तक अपने पास होती हैं तो हम उस दिन का इंतजार करते हैं कि कब ये रुखसत हों और इनको इनके हिस्से की खुशियां मिले, और जब चली जाती हैं तो दिल तड़पता रहता है इनके लिए। ठीक कहती हो तुम, और सच कहूं ना तो जो तुम महसूस कर रही हो ना, मैं भी वैसे ही महसूस कर रहा हूं। उबैद खुश तो रखेगा ना मेरी इनको? उबैद एक सुलझा हुआ और समझदार इंसान है, तुम देखना उसका साथ महरीन की जिंदगी को खुशगवार बना देगा। अल्लाह करे कि ऐसे ही हो। रो क्यों रहे हो? ऐसे पापा को याद कर रहे हो? आपके आपा से मेरा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है कि मैं उनको याद करूंगी। वो तुम्हारी माँ है और ये वजह काफी। माँ वो होती है जो अपनी औलाद की खुशियों की खातिर दुनिया भुला देती, वो नहीं होती जो अपनी खुशियों की खातिर यही भूल जाए कि उसके फैसलों का उसकी औलाद पे क्या असर होगा। इस माँ उन्होंने जो कम अज कम मेरे लिए नहीं किया तो आप उनके फैसले का कसूरवार मुझे मत ठहराएं। आखिर तुम चाहती क्या? मतलब ये कि एक जगह तुम ये सोचती हो कि वो तुम्हारी माँ नहीं, और दूसरी जगह तुम ये उम्मीद करके बैठती हो कि वो खुद से पहले तुम्हारे बारे में सोचे। तो अभी बात कभी नहीं समझ सकती क्योंकि खुशकिस्मती से आप मेरी जगह नहीं है। आप प्लीज यहाँ से चली जाए, मैं आपसे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहती, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर इसकी जगह नबील होता ना तो उसने आंखें बंद करके मेरे फैसले पर हां कर देनी थी। और एक ये है अदील, इसने तो गोया कसम खाई हुई है कि मेरी हर बात की मुखालफत करनी है इसने। नहीं नहीं, उसने मुखालफत तो नहीं की, उसने तो बस सिर्फ अपनी पसंद का इजहार किया है, इसमें हर्ज ही क्या है? तो तुम ये कहना चाहती हो कि अदील की जो ख्वाहिश है वो पूरी कर दी जाए, जिस लड़की पे हाथ रखे उसे मैं आंखें बंद करके ले आऊं और इस घर की बहू बना दूं? देखिए, मुझे अदील पर पूरा भरोसा है, वो जिस लड़की को पसंद करेगा ना वो यकीनन हमारे खानदान में रहने के काबिल होगी। तुम्हें होगा भरोसा, मुझे नहीं है। सुनिए, एक बार सिर्फ उस लड़की और उसके वालिदैन से मिल लेते हैं, उसके बाद ही कोई फैसला करेंगे। तो गोया तुम भी हुमा को बहू नहीं बनाना चाहते हैं? नहीं नहीं, मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है, शादी तो अदील ने करनी है ना, तो उसकी पसंद से होनी चाहिए, इसमें हर्ज क्या है? चलो देख लेते हैं इसकी मर्जी क्या है, मिल लेते हैं उन लोगों से। तो इसका मतलब ये कि आप जरीन के घर वालों से मिलने के लिए राजी हैं? उनसे सिर्फ मिलेंगे, जाके उन्हें देखेंगे, अगर उनका खानदान तौर अतवार रहन सहन समझ में आया तो बात आगे बढ़ाएंगे, अगर समझ में ना आया तो जिस तरह गए होंगे उसी तरह वापस आ जाएंगे। चलें ठीक है, ओ ये चाय तो पिए ना, ठंडी हो रही है, मैं भी आई। मैं तो इस घर में आ गई, अगर पता नहीं वहां आसमा पे क्या बीत रही होगी, उसने खाना भी खाया होगा कि नहीं। लगता है आप किसी अपने की याद में गुम है, जभी तो मेरी मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ।
वैसे मैं पूछ सकता हूँ कि किसे याद कर रही हैं आप? अपने साबका शौहर को या फिर अपनी बेटी अस्मा को? क्या हुआ, यकीन नहीं आ रहा ना कि आपका और आपके घर वालों का झूठ इतनी जल्दी मेरे सामने आ गया? यह बात मैंने कहा से पहले जान गया था, इसके बावजूद मैंने निकाह किया सिर्फ इसलिए कि कहीं आपकी इज्जत का आपके खानदान वालों के सामने तमाशा ना बन जाए। लेकिन अब मैं इस खोखले रिश्ते को नहीं निभा सकता। मैं किसी झूठ के सहारे आपके साथ नहीं रह सकता। आज मैंने अब्बा के सामने बता दिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। चलो मैं तुमसे बाद में बात करूं। अदील, माँ आप अगर मुझे कन्विंस करने आई हैं तो प्लीज, मैं जरी से अपनी शादी का फैसला नहीं बदल सकता। क्या हो गया है तुम्हें? अपनी कहे जाओगे या मेरी भी सुनोगे? तुम्हारे अब्बा जरी के घर तुम्हारा रिश्ता ले जाने के लिए राजी हो गए? हाँ, क्या वाकई आप सच कह रही हैं? तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता आदिल? तुम्हारे अब्बा तुमसे मोहब्बत करते हैं, वो भी तुम्हारी ख्वाहिशों का ऐसे ही एहतराम करते हैं जैसे कि मैं। आज अब्बा ने मेरे खातिर अपना फैसला बदलकर मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला दिया। माँ मुबारक हो। नहीं आई, मैं अकेली आई हूँ हमेशा हमेशा। पापा आप क्या कहना चाह रही हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज साफ साफ कहें। अदील की शादी कहीं और हो रही है। आप ये क्या कह रही हैं? मेरी किस्मत क्यों हुई बेवफा? मुझे पता है आप लोगों को आपा के हाथ के नाश्ते की आदत, मगर आज से आप लोग मेरे नाश्ते की आदत डाल। देख कर आते हैं। नहीं तो अरे बेटा, आ रही थी तो एक फोन कर देती, हम ढंग से उबैद के और तुम्हारे लिए नाश्ता बना लेते। उबैद कहाँ? नहीं आए, मैं अकेली आई हूँ हमेशा हमेशा। होश में तो हो तुम? तुम क्या कह रही हो, एहसास है तुम्हें? मैं वही कह रही हूँ जो सच है। उन्होंने मुझसे कहा उनका मुझसे कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए मैं हमेशा हमेशा के लिए घर चली जाऊँ। वो इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हैं? वो भी बगैर किसी वजह से रिश्ता कैसे खत्म कर सकते हैं? उनके पास मुझसे रिश्ता खत्म करने की बहुत बड़ी वजह है। अच्छा उबैद, ने तुमसे कहा क्या है? मुझे सच सच बताओ। अम्मी वो मेरे माजी के बारे में सब कुछ जान चुके हैं, मेरे अस्मा के रिश्ते के बारे में जान चुके हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे घर से और मेरी जिंदगी से चली जाओ। उसको पता कैसे चला? मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती। तुम्हें क्या लगता है माजी की तरह तुम मुझे बेवकूफ बनाओगी और मैं बेवकूफ बन जाऊंगा? अबू, तुम्हारी माजी की सच्चाई उबैद को कैसे पता चल सकती थी जब तक घर का कोई फर्द उसे नहीं बताता? क्या कह रहे हैं आप, घर से कौन बताएगा उसे?
वही जिसका शुरू से रिश्ता फूल नहीं। ये आप कैसे कह सकते हैं, किसने कबूल नहीं किया ये रिश्ता? मैरी जिसने पहले दिन से रिश्ते को कबूल नहीं किया। अबू, अबू आप क्यों कह रहे हैं इस तरह से? मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगी? तुम जानती थी उबैद कभी अस्मा को कबूल नहीं करेगा और तुम अस्मा के बगैर रह नहीं सकती। इसलिए वापस लौटने के लिए तुमने रास्ता चुना। अबू प्लीज मेरी बात का यकीन करें, मैं क्यों करूंगी ऐसा? मैं तुम्हारी किसी बात को भी कबूल नहीं कर सकता, समझी? आप क्या हुआ, इतना घबरा क्यों गए? मैं क्यों घबराऊंगी आपको देख के? और आप मुझे इस तरह से क्यों देख रही हैं जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ? देख रहे हैं पापा के ऊपर इतना सब कुछ हो गया और तुम्हें कोई फर्क नहीं। इंसान की जात पर उसके अपनों के गम और खुशियां सरअंदाज होते हैं और आपकी आपा से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, इसीलिए तुमने उनके साथ वो सब कुछ किया। मैंने क्या किया है? तुमने उबैद भाई को आपा की तख माजी के बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जब आपके पास कोई सबूत नहीं है तो आप मुझ पे इल्जाम कैसे लगा रही हैं? सबूत? मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं। तुम्हारे चेहरे का रंग साफ साफ बता रहा है कि तुमने झूठ बोला। आपको जो समझना है समझें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी हाँ, हम आज आ रहे हैं आपके घर शाम को। बस तो फिर नेक काम में देर कैसी? जब हम मिल ही रहे हैं तो बाकी मामलात के साथ साथ शादी की तारीख भी तय कर लेंगे। भाई देखे ना, बहू लाने की आखिर मुझे भी तो बहुत जल्दी है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। अम्मी, किसकी शादी की बात हो रही थी? अदील की। वाकई में? हाँ। इसका मतलब है आप तो मेरी अम्मा से बात कर रही थी, है ना? नहीं तो फिर आप किससे बात कर रही थी? अदील जिसको पसंद करता है ना, उसकी माँ से। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप हुमा के अलावा किसी और लड़की को इस घर की बहू बनाने के बारे में कैसे सोच सकती हैं? क्या हो गया शाइस्ता तुम्हें? मैंने कब तुमसे कोई वादा किया था कि मैं हुमा को अपने घर की बहू बनाऊंगी? फिर तुम मुझसे शिकायत कैसे कर सकती हो? अम्मी आपने कभी वादा नहीं किया है, लेकिन हमेशा आपके रवैये और आपकी बातों ने हुमा के यकीन को बढ़ाया है और उसे उम्मीद दिलाई है कि वो इस घर के लिए बहुत अहम है। पता नहीं भाई, हो सकता है जाने अनजाने में मुझसे कोई ऐसी बात हो गई हो। अफसोस है मुझे फिर इस बात का। तो क्या आपने कभी भी नहीं सोचा वो इस घर की बहू बने? अरे बेटा, मेरे पसंद करने या ना करने से क्या होता है? शादी तो अदील की हो रही है ना, तो फैसला करने का हक भी उसका है। इसलिए उसने जिससे कहा उससे शादी कर रहे हैं। जरी को पसंद किया है उसने। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगा, मगर तसल्ली की जरूरत मुझे नहीं, हुमा को है, जिसके सारे ख्वाब टूट गए।
हेलो, अब आप मुझे क्यों फोन कर रही हैं मेरी? मैं आपसे बात करना चाहती हूँ एक बार, प्लीज। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना बड़ा धोखा देंगे आप लोग। उबैद प्लीज, एक बार मुझे बात करने का मौका तो दें। आप क्या वजाहत देना चाहते हैं? आपने और आपकी फैमिली ने जो मेरे साथ किया है वो नाकाबिले माफी है। बेहतर होगा कि अगर आप मुझे दोबारा कॉल ना करें। बस कर रहे हैं, मत रो इतना। तेरी जिंदगी में इतनी बेतबारी क्यों? पहले अस्मा, फिर उबैद और अब अब्बू भी। लो बेटा कुछ खाना खा लो, सुबह से यूं ही बैठी हुई हो और मुझे यकीन है कि तुमने रात को भी कुछ नहीं खाया होगा। मुझे भूख नहीं है अम्मी। बेटा इस तरह भूखे रहने से और रोने से तुम्हारे मसले हल हो जाएंगे। तो अम्मी आप बता, मैं ऐसा क्या करूं कि अब्बू को मुझ पे यकीन आ जाए कि मैं उबैद के साथ ईमानदारी से रिश्ता निभाना चाह रही थी। बेटा तुम्हारे अब्बू खफा हैं और मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूं कि माँ बाप की नाराजगी सिर्फ वक्ती होती है। अब्बू मुझसे खफा नहीं है, वो मुझसे नाराज नहीं है, बदगुमान हो गए और बदगुमान ही रिश्ते तोड़ देती है। और मुझे इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं एक और रिश्ता टूटते हुए देख सकूं अपनी। ठीक है, अरे आपा शुक्र है आप आ गए। अभी आपको ही बुलाने वाली थी। ये देखें, ये शॉल मैं आपकी सास के लिए लेकर आई, बल्कि अपनी सास के लिए। ठीक है, ये आप क्या कर रही हैं? अब इसका कोई फायदा नहीं। जिस मकसद के लिए तुम इन लोगों की खिदमतें कर रही थी ना, वो मकसद अब कभी भी पूरा नहीं होने वाला है। अब आप क्या कहना चाह रही हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज साफ साफ कहें। अदील की शादी कहीं और हो रही है। आप ये क्या कह रही हैं? हुमा, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, मैं तुम्हें इस तरह टूटते हुए नहीं देख सकती। तुम जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तो क्या यहाँ रहकर अदील को किसी और को होते देख सकोगी? क्या ये सब कुछ सह सकोगी तुम? अदील सिर्फ मेरा है, किसी और का हो जाए मैं ऐसी नौबत नहीं आने दूंगी। क्या करोगे फिर तुम? को वक्त आने पे सब पता चल जाएगा। आप मेरीन से कब तक नाराज रहेंगे? जब तक मैं जिंदा हूं। इतनी कड़ी सजा देने से पहले कम से कम इस बात का यकीन तो कर लें कि जिस गुनाह की इतनी कड़ी सजा दे रहे हैं वो गुनाह उसने किया भी है या नहीं। तुम अपनी बेटी की वकालत करने आई हो? मैं वकालत नहीं कर रही हूँ। तो फिर? देखिए मैं मानती हूँ कि मेरीन से माजी में बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि बगैर तस्दीक के हर गलती का कसूरवार उसी को ठहरा दे। रुखसाना बेगम तुम कहना क्या चाहती हो? आप एक दफा उबैद से बात तो कीजिए, पता तो कीजिए कि अपने बारे में बताने वाली मेरीन खुद है या उसको किसी और जरिए से पता लगा। मान लिया किसी और जरिए से मालूम हो, क्या कुछ बदल जाएगा? उबैद कह चुका है कि मेरीन से अब मेरा कोई रिश्ता नहीं। देखिए इंसान गुस्से में तो कुछ भी कह सकता है, अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि उसका कहा हर्फे आखिर हो गया। इतना कुछ होने के बावजूद
तुम्हें अभी उम्मीद है? जी, इसलिए कि रिश्ते कच्चे धागे नहीं हैं जो जरा से खिंचाव से टूट जाएं। ठीक है, तुम अभी समझती हो कि सब कुछ ठीक हो सकता है, तो मैं कोशिश करूं। देखो बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ता हूं, अपने इस फैसले को बदल दो। आप जा सकते हैं। अब वो हॉस्पिटल क्या? मेरी किस्मत क्यों हुई बेवफा? मेरी किस्मत क्यों हुई बेवफा? काफी अर्सा हो गया यहाँ, जहरी बात है, इस इलाके से अब मानुस से हो गए। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो बेटा। आपको तो पता ही है कि अदील और जरिया एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जी, जरी ने बताया था इस कमिटमेंट के बारे में। दरअसल जरी हमसे कोई बात छुपाती नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है, हम इसी सिलसिले में आए हैं। बेटे का रिश्ता लेकर आए हैं, कोई बात करें ना। देखिए, ये तो हमें पता है कि बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। हम यहाँ आए आप लोगों के घर में, आप लोगों से मिले, ये भी हमें अच्छा लगा। आप लोग हमें पसंद आए। अब अगर हम भी आप लोगों को अच्छे लगे हैं तो फिर नेक काम में देर किस बात की? मेरा ख्याल है कि शादी की तारीख तय कर लेते। अब वैसे क्या इरादा है आपका, कब तक की तारीख होनी चाहिए? अगले महीने की कोई तारीख? अगले महीने की? ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा। हाँ भाई साहब, ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा, हमने तो अब तक कोई तैयारी भी नहीं की। अब ये तो आपका मसला है। वो अदील के अब्बा का उसूल है कि नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। हाँ आप लोग ठीक कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल जरी हमारी इकलौती बेटी है और हमने उसकी शादी के लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है। तो ठीक है, आप ही तारीख बता दें, जो आप कहेंगे उस पे कर लेते हैं। चलें ठीक है, हम आपस में मशवरा करके आप लोगों को बता देंगे। चलिए ठीक है, लेना आप कुछ जूस वगैरह लें कुछ। जी वो मुराद साहब आए। ठीक है, यहीं भेज दो उन्हें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? मैं जानता हूं तुम हमसे नाराज हो, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने मुझसे झूठ बोला है, मुझे धोखा दिया है, आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं आपकी किसी बात पर यकीन करूंगा? मैं मानता हूं बेटा, हमने महरीन का बाजी तुमसे छुपा कर रखा, लेकिन हमारा तुम्हें धोखा देने का इरादा नहीं था। मैं तो किसी मुनासिब वक्त की तलाश में था। अब मुझे आपके किसी बात पर एतबार नहीं है। बेटा मैं तुम्हें यकीन कैसे दिलाऊं? ये सब कुछ छुपाने का फैसला हमारा था। मेहरीन इस बात पर राजी नहीं थी, वो तो खुद तुमसे बात करना चाहती थी। इस मामले में आपकी बेटी आपके साथ थी या नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उबैद, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि महरीन को उस गलती की सजा ना दो जो उसने की ही नहीं। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप क्या चाहते हैं,
इंपॉर्टेंट ये है कि मैं क्या चाहता हूँ। तुम क्या चाहते हो? मैं आपकी बेटी के साथ कोई रिश्ता कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। देखो बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अपने इस फैसले पर गौर कर लो बेटा। शायद आप जा सकते हैं। हाँ भाई, ये फैसला बात तो ठीक है, लेकिन वो मुल्तान नजर नहीं आ रहा मुझे। ये तो देखें इधर जरा मेरी तरफ। हाँ जी फरमाएं। अरे मिठाई भाई, ये किस खुशी में और मुस्कुराहट है और खुशी है कि छुपाए नहीं छुप रही, खैरियत तो है। बात ही ऐसी है, अदील के ससुराल से फोन आया था। उन्होंने बहुत सोचने के बाद फैसला किया है कि अदील की शादी उसी तारीख को होगी जिस पर हम चाहेंगे। ये क्या बात हुई भला? अरे भाई उस दिन हम गए तो बड़े नखरे दिखा रहे थे, वो जी हम सोचेंगे हम ये करेंगे वो, अब खुद ही मान गए। अब छोड़े ना इन बातों को, मिठाई खाइए ना। अरे लाओ भाई खा लेते, शुगर की वजह से थोड़ी सी खाई है। लो भाई तुम खाओ। रहने दे अब्बा, जब अदील का रिश्ता ले जाते वक्त आपने मुझसे और शाइस्ता से नहीं पूछा तो फिर क्या जरूरत है सब। नबील ठीक ही कह रहे, आप लोगों ने तो हमें बिल्कुल ही गैर समझ लिया। बस करें आपा, इस किस्से को खत्म करें आप, और ये सोच कर खुश होएं कि ये बहुत बड़ी खुशी का मौका है। आप मुझे मिठाई नहीं खिलाएंगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, ये थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ आप? मेरे देर के आने की वजह से आप लोग परेशान हो रहे हैं? नहीं नहीं, इस वजह से परेशान नहीं है। हैं? बेटा तुम्हारे अब्बू अब तक नहीं आए, तो कॉल कर लेते। जी मैंने कॉल की थी उनको लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। अच्छा मैं ट्राई करती हूँ। हेलो आप कौन? अब वो हॉस्पिटल क्या? कौन से हॉस्पिटल? हुमा तुम ये क्या करती फिर रही हो? फिलहाल तो आराम कर रही हूँ। ओहो मैं तुम्हारे रवैये की बात कर रही हूँ जो तुमने अदील के साथ अख्तियार किया हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए? महाज छोड़ के चले जाना चाहिए, रोना चाहिए, या फिर अदील की मिन्नतें करूं कि मुझसे शादी कर लो? नहीं आपा, मैं कोई इतनी भी बेवकूफ नहीं हूं कि मैं इनमें से कोई भी हरकत करूं। तो फिर तुम क्या करना चाहती हो? मैंने आपको शायद पहले भी कहा था कि वक्त आने का इंतजार करें, आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा।
डॉक्टर साहब, अब्बू की तबीयत तो ठीक है ना? उन्हें हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक? और उनकी कंडीशन भी ठीक नहीं है। बहरहाल हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप लोग दुआ करें, अल्लाह बेहतर करेगा। संभाले खुद को। आप ही अब्बू की तबीयत कैसी है? क्या वो सीरियस है? मैं हॉस्पिटल आना चाहती हूँ, मगर ठीक है, अगर आप नहीं चाहती कि मैं हॉस्पिटल आऊं तो मैं नहीं आऊंगी। क्या हुआ आसमा, अब्बू कैसे हैं? अब्बू को इस हालत तक पहुंचाने के बाद अब आपको बड़ी फिक्र हो रही है? ऐसे क्यों कह रही हो? मैंने क्या किया ऐसा? आपको पता है अब्बू आपके शोहर के घर गए थे उनकी मिन्नत करने के लिए कि वो आपको अपनी जिंदगी में अपने घर में जगह दे दें। बदले में उन्होंने पता नहीं अब्बू का ऐसा क्या कहा कि उनकी ये हालत हो गई है। तुम्हें कैसे पता कि अब्बू वहाँ गए थे? क्योंकि जिस जगह अब्बू गिर के बेहोश हुए वो उसी घर की गली है। जो आदमी अब्बू को वहां से हॉस्पिटल लेकर गया है उसने भाभी को उस इलाके का नाम बताया है। मुझे क्यों किसी ने नहीं बताया? अगर आपको पता भी चल जाता तो आपको क्या फर्क पड़ना था? आपके लिए अहमियत इस बात की थोड़ी है कि अब्बू की बेइज्जती हुई है, बल्कि आपके लिए अहमियत तो इस बात की है कि उबैद हसन आपको अपने घर में जगह दे दें, वो भी किसी भी कीमत पे।